जाए दिन बाहर वाह वाह। अभी अभी एक हवा का झोंका याद तेरी ले आया, अभी अभी एक हवा का झोंका याद तेरी ले आया। याद के साजों ने दिल से ये प्रीत का गीत सुनाया। ओ मेरी दिल रुबा सुन ले जरा, कहता है ये तुझसे ये क्या अफसाना। हेलो, तो फिर से नई ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और ये अभी हम लोग खाटू श्याम से लौट रहे हैं, तो ब्लॉग लंबा हो गया था, तो ये नेक्स्ट ब्लॉग में थोड़ा सा है। अब नज़दीक ही आ रहे हैं घर पे, तो ये हम लोग सुखदेव ढाबा पे रुके हैं। तो ये मूर्थल वाला नहीं है, ये अजमेर हाईवे है जो उस पर है, ये दिल्ली अजमेर हाईवे के ऊपर जो सुखदेव ढाबा बना हुआ है, तो उस पर उसमें हम लोग खाना खाने के लिए अभी रुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्या सब खाना खाते हैं, और अच्छा देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। पीछे रुकने का भी है, और दिल्ली अजमेर हाईवे पे है ये वाटर पार्क भी है। चलिए आप बैठिए, भोजन कीजिए। राजमा चावल, डोसा, मसाला डोसा, और ये बर्गर, बर्गर किंग है ये, बर्गर किंग। मेरा आने वाला है अभी, गेस कीजिए, मेरा क्या वेटिंग। हाँ, अब मैं क्या मंगाने वाली हूँ, गेस कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा, बहुत खट्टी वाली कढ़ी है, खट्टे दही की होती है ना उसकी कढ़ी है, लेकिन है टेस्टी। साबुत धनिया वगैरह आ रहे हैं मुंह में, तो फ्लेवर तो पूरा है, लेकिन इतनी खट्टी कढ़ी मैं नहीं खाती, मुझे गले में थोड़ा लगता है, लेकिन क्या करें। और बाकी सारा खाना ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है। हो गया ना, अरे बैठे बैठे बोर नहीं होते हैं क्या, दर्द होता है इसका, क्या है तो सो जाएगी। खाली सरसों का खेत पीला पीला, अरे आ गया यहीं पे देखिए, इतना सुंदर लग रहा है ये पूरा। ओ मम्मी आराम से, क्या गिरा, चाकू, मम्मी के ऊपर चाकू, ये देखिए नई फसल भी वही हुई है, यहाँ से भी आ रहा है सन, एकदम बिल्कुल मन करता है उतर के जाए खेत में, लेकिन बचने के लिए सब लोग हिम्मत ही नहीं है, और गाड़ी लगाने की जगह नहीं, साइड में यहाँ पे लग सकती थी गाड़ी, हम लोग अच्छा गया ना पहले। ये देखिए सब पूरा सरसों का खेत पीला पीला, ये है हमारी असली जड़। ये देखिए कितना मस्त एकदम, जय जवान जय। अपने देश के किसानों पे गर्व करना चाहिए हमेशा, उनकी मेहनत, उनका पसीना, जिसके कारण हम लोग सरवाइव करते हैं। वाह, ये ऊपर हेलीकॉप्टर पटेल, ये चौपर उतारा हुआ है। हाँ जी, तो ये क्या है, देखिए चारों बगल इधर भी, इस साइड भी पूरा एकदम, चल सोना है, सोना बीच में बैठ के, सोना आगे भी गाड़ी में भी सोना है, गजब। तो
हम लोग अब शाम के टाइम है, ये चाय के लिए रुके हैं। ये भी हाईवे ही, हाईवे ही रहता ही है। तो ये बड़ा बढ़िया डेकोरेशन वगैरह किया हुआ था, ऊँट ऊँट की सवारी कीजिए, और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये इसका जगह का नाम था अर्बन किंग होटल, जो सामने दिख भी रहा है आपको, और बहुत खूबसूरत। आजकल तो न्यू ईयर का टाइम है, क्रिसमस का टाइम, तो सजा के रखा ही था, तो अच्छा था। चाय भी अच्छी पिलाई और फिर हम लोग थोड़े से पकौड़े भी खाए। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग में मिलेंगे। आप कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने आरएम लाइफस्टाइल ब्लॉग में फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। और साल का लास्ट हो रहा है, और ये लास्ट एक दो ब्लॉग के बाद न्यू ईयर का ब्लॉग आ जाएगा। मैंने मुझे लगता है कि ये लास्ट होगा ब्लॉग, उसके बाद न्यू ईयर का ब्लॉग आएगा। और पीछे जो ब्लॉग नहीं देखे हैं प्लीज जाके देख लीजिए। हम लोग गए थे खाटू श्याम, और ये जो छुट्टी थी 3 दिन की, इतनी भयंकर उसमें भीड़ थी। और उस भीड़ में मेरे हाथ में अभी मैं भी एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो इसलिए बैंड उतार दिया है। तो इतनी भीड़ में भी और इतनी सर्जरी वाला हाथ लेके भी, और मैं पहुँच तो गई वहाँ पे, लेकिन कैसे कैसे दर्शन हुआ, तो ये सब देखने के लिए आप मेरा ब्लॉग देख सकते हैं। तो लगता है कि जो भी तीर्थ स्थान है छुट्टियों में, घर में कोई रहना नहीं चाहता, सब निकल ही जाते हैं या घूमने वाली जगह पे। मेरा बेटा गया था वहाँ भीमताल जागेश्वर छोटे वाला, तो वहाँ भी 3-3 किलोमीटर पहले गाड़ी पार्क करके और पैदल जाना पड़ा, और वहाँ तो पहाड़ी है चढ़ाई करके, तो बहुत ही बुरा हाल भाई। और वहाँ तो जो बिंदा बांके बिहारी में तो कह रहे हैं कि 2 डेथ भी हो गई, भगदड़ मच गई, तो और कई लोग तो जाके दर्शन भी नहीं कर पाए। तो बहुत बुरा हाल है भाई वीकेंड में। अब तो डर लगता है कि छुट्टियों में कहीं बाहर निकलना ही मुश्किल है बहुत, क्योंकि इतनी भीड़ उमड़ती है कि फिर आप बहुत मुश्किल है। और जो थोड़े से सीनियर हैं जिनके पैर में कुछ भी, मैंने चलने फिरने में थोड़ी परेशानी है, वो लोग तो बिल्कुल ही वीकेंड में ना बाहर निकले, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है दिक्कत भाई। सारे लोग, सारे बच्चे क्या बड़े क्या सब निकल लेते हैं। तो अब तो भाई यही है कि तीर्थ स्थान यदि आप दर्शन करने जाते हैं तो छुट्टी लें प्रॉपर, और जो वर्किंग डे है उसी में जाएं, तो आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, भीड़ भाड़ में तो नहीं। क्योंकि तो जिस काम के लिए आप जाते ही नहीं हो, आपको तसल्ली ही नहीं हो। हम लोग भी दर्शन किए, तो जो और दिन दर्शन करते हैं सो ऐसे दर्शन करते रहे, ऐसे ऐसे लाइन लगी हुई, ऐसे ऐसे करके निकलते भाई, निकलते जाओ, पुलिस एक साथ में वहाँ सिक्योरिटी वाला रहता था, एक वहाँ आगे एक बीच में, ऐसे करके बस बढ़ाते जाते थे भाई। इतनी दूर से आए, इतनी मेहनत करके आए, बड़ी मुश्किल से पहुंचे, 1-1 किलोमीटर नंगे पांव पैर में चुभ रहे हैं, कंकर पत्थर सब चुभ रहा था। और फिर सर्दियों में हम लोग 11 बजे रात में 12 बजे रात में लाइन लग लग के दर्शन किए, और दर्शन यदि ऐसे हो तो थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा कोशिश अब यही हम लोग, मैं भी खास कर करूँगी कि छुट्टी जब हो सार्वजनिक तो उसमें ना बनाऊँ प्लान, भले घर में बिता लें, खा पी के अपना टाइम पास कर लें। तो ये तो रहा एक्सपीरियंस, तो आप लोग जरूर लेकिन ब्लॉग देखिएगा। लेकिन हम मेरी दर्शन इस हालत में भी हो गई थी बहुत अच्छे से, ये खाटू बाबा का आशीर्वाद रहा, ब्लेसिंग रहा कि इतनी मेहनत करके इतनी परेशानी में आई है, तो चलो ठीक है, जैसा लगता है ना हाथ पकड़ के और खींच के ले जाना, तो ऐसे दर्शन हुआ। सबको आश्चर्य लगा, अच्छा दर्शन हो गया, और इतनी जल्दी जाके गेस्ट हाउस में वापस आ गई इतनी जल्दी, तो चलिए तो लकी हूँ इस मामले में मैं तो। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और बज रहा है 7, भी डिनर की तैयारी हो रही है, तो चलिए थोड़ा देखते हैं किचन में क्या क्या सब हो रहा है किचन में। देखिए पुदीना नहीं था, अब वो कबूतर बैठ गया था गमले में, तो पुदीना तो खराब कर दिया है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा ही धो के दीजिए। तो क्या चूल्हे में कढ़ाई में हो रहा भाई, यहाँ तो चटनी का हुआ है, टमाटर लहसुन हरी मिर्च, तवे पे रोस्ट हो रहा है। थोड़ा सरसों तेल नहीं डाल दिए इसमें, 1-2 बूंद डाल दीजिए, 1-2 बूंद और अच्छा हो जाएगा उसमें, तब रोस्ट कीजिए। और ये राजमा बन रहा है, कैसे हटेगा ये? नहीं अभी पर्दे में रहेगा, ये धनिया पत्ता की चटनी बन रही है, धनिया पुदीने की, टमाटर की चटनी बनी है इसमें। अरे ये प्याज यहाँ भी, ये भी पर्दा है, पर्दे में है जी, अभी पता नहीं चल रहा है, लाइट जला दूं थोड़ा पर्दा खुल जाए। ये देखिए वाह, ये मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत पसंद है, तो अभी आ रहा रात में 8:30 बजे तक आएगा, वो भी टूर से घूम के, तो उसके लिए टमाटर की चटनी, राजमा उसका फेवरेट है, तो आज उसके फेवरेट का बन रहा है ना, बहुत बढ़िया। चावल भी बनेगा थोड़ा, चावल रोटी
चावल रोटी दोनों, वाह मजा आ गया फिर तो, और चटनी है ही, क्या बात। तो ये सब हो रहा है और अभी बस मिलते हैं हम थोड़ी देर में आप लोग से। थोड़ा हम जा रहे हैं, आज मंगलवार है और बजरंगबली जी का दिन है, तो थोड़ा सा आरती और पाठ वगैरह हो रहा है, तो मैं वहां से होके आ रही हूँ। चलिए तनु बेल्ट लगा देते, बेल्ट बेल्ट ये वाला थोड़ा सा लगा दीजिए, जल्दी कट जाएगा। तो जहाँ गई थी तो वहाँ पे हनुमान चालीसा ख़त्म हो गया था, आरती भी हो गई थी, तो कुछ ज़्यादा तो सूट नहीं कर पाई, लेकिन वहाँ एक भाई साहब हैं बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो हमने कहा कि सब चले ही गए थे, बस दो तीन लोग हम लोग रुके थे, तो कह के चलिए एक गाना अच्छा सा सुनाइए, तो आपको भी आगे सुनाते हैं, देखिएगा आप लोग कितना प्यारा गाना गाए थे, और कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। थोड़ा और टाइम लगेगा, हमारी राजमा भी खुशबू बहुत बढ़िया हो गई और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो आके फिर राजमा चावल भी खाना है। चलिए चलो गाना सुनो। गाना गुंचे लगे हैं कहने फूलों से भी सुना है तराना प्यार का, कहता है दिल आके मिल लो मेरी जिंदगी, तन आना बीत जाए दिन बहार का, वो तन्हा ना बीत जाए दिन बहार का। अभी अभी एक हवा का झोंका याद तेरी ले आया, अभी अभी एक हवा का झोंका याद तेरी ले आया, याद के साजों ने दिल से ये प्रीत का गीत सुनाया, ओ मेरी दिल रुबा सुन ले जरा, कहता है ये तुझसे ये क्या अफसाना, ओ गुंचे लगे हैं कहने फूलों से भी सुना है तराना प्यार का, कहता है दिल और ओ मेरी जिंदगी, तन्हाना बीत जाए दिन बहार का। बहुत बढ़िया, कॉलेज में तो आप फेवरेट हुआ करते होंगे सबके, है ना? इतना बढ़िया गाते हैं तो याद करा दिए कॉलेज के दिन। ये हमको भेज दीजिएगा कॉलेज वाला सुना, सुना रहे हैं, सुनाइए सुनाइए सुनाइए, अलग अलग रिकॉर्ड करिए, एक महीने तो फिर भेजना थोड़ा। चंबे गाँव में दो प्रेमी रटते, हो गाँव में दो प्रेमी रटते, मिलेंगे या बिछुड़ेंगे हाय राम क्या होगा, ना जाने उन दोनों का अंजाम क्या होगा, मुफ्त में हो जाएंगे वो बदनाम क्या होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा गाना था, गाना अच्छा था, ये तो सुन डांस करना है बहुत है हमको, टीवी में कुछ म्यूजिक आ रहा था, ये लगी डांस करे जबरदस्त, नाना डांस, नानी डांस, नानी डांस, आरती, प्रसाद चाहिए, बूंदी बूंदी बूंदी। अब देखिए खाना खा रहे हैं सब कोई और टीवी चल रहा है, इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, और सबको बहुत पसंद आया था, तो मैं इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे क्लोज, और एक आध मिनट की और मॉर्निंग की क्लिप ऐड करूँगी, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रहा है, और छोटे बच्चे घर में हैं तो उनका थोड़ा विशेष ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा, गर्म गर्म दूध हल्दी में डाल के रोज़ रात में पीने से थोड़ा सा बॉडी भी गर्म होता है और इम्यूनिटी भी थोड़ी अच्छी होती है, तो ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा, और बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।
गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? देखिए अभी सुबह का 10 बज रहा है और ये हाल है, और ये मैं राजनगर में ही हूँ, कहीं बाहर नहीं आई हूँ, हिल स्टेशन पे पहाड़ी जगह, ये मेरी सोसाइटी है और ये कुछ नहीं दिख रहा है, 13 फ्लोर से नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा फोग ही फोग है। दिखाइए मैं बाहर आके कुछ सामने, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सर्दी आ गई है एकदम जबरदस्त वाली, और इतनी ठंड में सुबह की चाय। और ये ठंड को रोकने के लिए चिक लग रहा है, बहुत तेज हवा आती है ना यहाँ पे।